बूंदी जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर ने जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक अन्य जिलों अथवा राज्यों में चले गए थे, वे भी लौट आए हैं। इसलिए मांग को देखते हुए प्रत्येक विभाग प्रति कार्य 50 से 100 श्रमिक नियोजन किया जाना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 57,214 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर भी वापस लौट आए हैं। ऐसी स्थितियों में ये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके नरेगा के अंतर्गत। अतः पंचायतों के ग्राम पंचायतों द्वारा तो मनरेगा के अंदर कार्य किया ही जा रहा है, साथ ही लाइन डिपार्टमेंट का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः आज इनकी बैठक आयोजित करके इनको निर्देश प्रदान किए कि अगले 7 दिवस के अंदर अंदर जो भी वर्क्स इनको सेंक्शन करवाने हैं, जो उनकी प्रपोजल शीघ्र सबमिट कर दें, एवं जो पूर्व में चल रहे हैं उनमें अधिकतम लेबर लगाकर उन कार्यों को पूर्ण करवाकर उनकी CC आदि